मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के बाली राज्य में भगवान श्री राम के सखा और किष्किंधा नरेश सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बाली राज्य में पहले एक हिंदू धर्म संस्थान 90 के दशक में स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति के आदेशानुसार अब इसे देश के पहले हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है। प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के तहत देन पासर के हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट को देश की हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम आई गुस्ती बागा सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी रखा गया है। यह रेगुलेशन पिछले हफ्ते ही लागू किया गया है। यह सर्वविदित है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति व परंपरा में रसी बसी रामायण जीवंत दिखाई देती है। यहाँ की रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए इस विशेष प्रावधान का उद्देश्य हिंदू उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है। इस विश्वविद्यालय में प्रशासक हिंदू हायर एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ हिंदू हायर एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली विभिन्न विधाओं को जोड़ने का भी कार्य करेंगे। इसके साथ ही हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट की सभी प्रकार की परिसंपत्तियां भी अब सुग्रीव हिंदू विश्वविद्यालय के नियंत्रण में ही होंगी। कुल मिलाकर इसे भारतीय संस्कृति व परंपरा के विस्तार के साथ रामायण की अमर कथा को मिल रही स्वीकृति का ही परिणाम माना जाएगा। बड़े भाई बाली के नाम से चर्चित राज्य में छोटे भाई सुग्रीव के नाम पर एक बड़े हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना स्वागत योग्य कदम ही माना जाएगा। अगर हिंदुस्तान में अब कोई हिंदू यूनिवर्सिटी सरकार खोलने का प्रयास करे तो तथाकथित सेकुलर और टुकड़े टुकड़े गैंग जमीन आसमान एक कर देगा। फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि संविधान खतरे में आ गया है। इंडोनेशिया के लोगों ने अपना धर्म भले ही बदल लिया हो, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। वो अपनी महान संस्कृति को संवारने और संरक्षित करने का काम लगातार कर रहे हैं।